हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबका एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं सबका एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिलता रहे। तो चलिए समझते हैं कि एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। एक्युमुलेशन ऑफ मैटर ऑन द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड एडजॉर्प्शन। जब एक्युमुलेशन होता है मैटर एंड सबस्ट्रेट का सरफेस पर, तो उसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये देखिए, इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए कि ये लकड़ी का टेबल है और ये जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल आप लोग देख रहे हैं ये वाटर है। तो जब आप पानी को लकड़ी के ऊपर गिराते हैं तो ये जो लकड़ी है पानी मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए जो पानी का मॉलिक्यूल है ये टेबल के सरफेस पर ही रहते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन। तो अब चलिए समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन एक्युमुलेशन ऑफ मैटर ऑन द इंटायर एरिया ऑन द सबस्ट्रेट कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जब एक्युमुलेशन होता है मैटर और सबस्ट्रेट का इंटायर एरिया में, तो उसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये एग्जाम्पल, ये मान लीजिए स्पंज है, जब आप इसको पानी में डालते हैं तो इसके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उस छिद्र में जो पानी है वो सोख लेता है स्पंज, तो इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा था। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सभी के लिए थैंक यू।